कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम धीरे धीरे मन की बात के 100वें एपिसोड के अभूतपूर्व पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे कई देशवासियों के पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने 100वें एपिसोड के बारे में बड़ी जिज्ञासा प्रकट की है। 100वें एपिसोड में हम क्या बात करें, उसे कैसे खास बनाएं, इसके लिए आप मुझे अपने सुझाव भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगली बार हम वर्ष 2023 में मिलेंगे। मैं आप सभी को वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष भी देश के लिए खास रहे, देश नई ऊंचाइयों को छूता रहे। हमें मल करके संकल्प भी लेना है, साकार भी करना है। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है।